पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ब्यूटीफुल लेडीज क्लब के प्रांगण में इको फ्रेंडली दीपावली धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभा का आरंभ अध्यक्ष डॉक्टर विमिता अग्रवाल ने सभी सदस्यों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देकर किया। सचिव रश्मि अग्रवाल ने क्लब की गतिविधियों के विषय में जानकारी दी। क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर बबीता गुप्ता ने बच्चों को हानि पहुंचाने वाले पटाखों और प्रदूषण के विषय में जागरूक किया। इस विशेष सभा की संचालिका डॉक्टर श्रुति खन्ना रही। कैसीनो थीम पर आधारित गेम्स खिलाकर और स्पेशल हाउसिंग कराकर सभी सदस्यों का दिल जीत लिया। हर तरफ उत्साह और उल्लास नजर आ रहा था। रंगारंग कार्यक्रमों की छटा से सभा जगमगा रही थी। डॉक्टर शेफाली सिंह, विदुषी टंडन, डॉक्टर शालू महाजन सभी ने एक एक कर बढ़ चढ़कर नृत्य प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर विमिता अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, भारती खट्टर और अर्चना जैन ने थीम पर आधारित नृत्य कर वातावरण को और भी मनोरंजक बना दिया। अध्यक्ष डॉक्टर विमिता अग्रवाल ने मिट्टी के दीयों का महत्व बताते हुए कहा कि सभी लोग अपने घर में उजाला दीपों से करें, बाहरी देशों की वस्तुएं नहीं प्रयोग में लाएं। इन दीपों से उजियारा कर हम कई कुम्हारों की दीपावली मनवा सकते हैं। ब्यूटीफुल लेडीज क्लब के सदस्यों का सभी नागरिकों से यही अनुरोध रहा कि ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वाले पटाखों से दूर रहें। सभा में विशेष रूप से रितु शर्मा, अंजू अग्रवाल, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर स्मिता गोयल, शुभांगी अग्रवाल, राजुल गुप्ता के साथ और भी सदस्याएं उपस्थित रहीं। जिसमें हमने सभी लोगों से ये अपील की है कि इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, पटाखों का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आज हम सब लोग ब्यूटीफुल लेडीज के सभी मेंबर्स ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुरादाबाद के सभी वासियों की दिवाली बहुत अच्छी रहे। इस उपलक्ष्य में कुछ डांस प्रोग्राम्स हैं और एक स्किट है जिसमें हमारे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही खूबसूरत संचालन आज की संचालिका डॉक्टर शुभि खन्ना ने किया है। हाउसिंग गेम से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ और साथ में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रस्तुत।